सो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं मजनू का टीला। इतने साल हो गए दिल्ली में रहते हुए लेकिन कभी मैंने मजनू का टीला एक्सप्लोर नहीं किया अब तक। कहने को आप कह सकते हो कि मैं कालसी इंसान हूँ या मेरे को पसंद है कि मैं दिल्ली से बाहर जाकर एक्सप्लोर करूँ, बट आज तक मैंने दिल्ली में सही से एक्सप्लोर नहीं की है। इसलिए आज मैंने सोचा कि मजनू का टीला एक्सप्लोर करके आएंगे उधर। अभी स्टेशन हमारा आने वाला है विधानसभा। इस कैमरे की फुटेज को देख के आपको ऐसा भी लग सकता है कि हम किसी बड़ी सी शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे 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 चल रही है। आज की कैमरा मैन हमारी यशस्वी राजपूत और इसी को क्रेडिट जाता है आज की जितनी भी वीडियोग्राफी होगी। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मजनू का टीला। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं विधानसभा मेट्रो स्टेशन। कितने लोगे भैया सही से बताओ? 20 रुपए सवारी। 20 तो लगते ही नहीं है। हाँ जी लगता है, गलत नहीं बता रहे। 30 देना तो। ये रिक्शे का जाने का मजा कुछ और है, तो रिक्शे का जाने का मजा कुछ और है। पक्का भैया? पक्का। गिराओगे तो नहीं ना? नहीं नहीं, ये गिरने वाला थोड़ी है। एक बारी मैं चला सकती हूँ अपनी रिक्शा? हाँ जी मैं चला सकती हूँ। मेरे को आती है, मेरे को तो गाड़ी भी चलानी आती तो है। मैं मानता हूँ लेकिन डर लग रहा है मेरे को। नहीं आप डरो, मैं हल्के से बस यहाँ तक चलाऊँ। इसको रिक्शा चलाने का है यार, यहाँ पर ज्यादा रेस नहीं देना। अरे पता है मेरे को, चलो चलो। ब्रेक नहीं है इसमें? ब्रेक हो रहा पैर में आपके। कौन से वाला? यही है जो पैर रख रखे। ये कैसे दबाओगे? कैसे ऐसे? हाँ भाई ठीक है ठीक है, बस बस। कैसा लगा? एक पैंडल मार के भाई। पर इसमें जो ये रेस लगाते होंगे ना, एक बारी मैं नीचे जाके गिरी थी। मैं कॉलेज जा रही थी वहाँ पे पेपर देने के लिए। ओके अच्छा लग रहा है ऐसे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है की आज का जो मौसम है ना वो काफी अच्छा है, क्योंकि आज धूप नहीं निकली। और ये अच्छी बात नहीं, अच्छी है, बात है यार। क्योंकि यार सर्दियों में अगर सर्दियों वाली वाइब ना होना तो उसका कोई मजा नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ पे मजनू का टीला के पास में मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं, तो लाफिंग होती है, गिली जली जली होती है, तो कुछ ऐसे ही होता है। वो अभी खाने का ट्राई करेंगे, देखते हैं चल के। और एक बात आज सबसे बुरी है यार, मेरा लग साथ नहीं दे रहा आज। बाल देख लो एक बार, मैं वीडियो शूट करने आया हूँ, बाल बिल्कुल सही सेट नहीं हो रखे। कहाँ पर है भैया मजनू का टीला? पुल क्रॉस करके सामने। सामने ही है, अच्छा मार्केट है क्या पूरी? अम्मा कैफे, अम्मा कैफे बहुत फेमस है यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मजनू का टीला और बालों को अभी मेरे टीला बन चुका है लगभग। समझ नहीं आ रहा, घर से अच्छे से सेट करके निकला था और भैया ने इतना तेज चलाया ना रिक्शा, आधे बाल मेरे भैया ने खराब करे। मैंने करवाया था और बहुत अंदर चला गया था। आई थिंक यू डोंट टेक अ रिस्क। हमने कहीं करवाया था? अरे यार करवाए जा रहा है, खुद का कुछ वजूद नहीं है कि बोल देना। मजा भी आ रहा है, दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी। ऐसी चीजों को एंजॉय करता है? मतलब मैं एंजॉय नहीं कर रहा सीरियसली। भैया ने पकड़ के सीधा कान में डोरी डालने लग गए। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। अभी सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर मिलता है, क्या मिलता है? स्पेशल लाफिंग यहाँ पे मिल रही है और मैंने देखी है, लेकिन मुझे ना देखने में अच्छी लग रही है, बट ट्राई करनी पड़ेगी क्योंकि मैं खाना चाहता हूँ कि कैसा खाने में कैसा लगेगा, बार देखते हैं आगे चल के। पर एक चीज़ और बहुत अच्छी हुई है कि मैंने किसी से पूछा कि ये जो लाफिंग है कैसी है, दूसरे ने जवाब दिया किचकिची। एक मैच कर दो। अबे छोड़ियो मत, खींच ले। समझ आ गया। अच्छा यार बहुत अच्छा, मतलब मेरी चॉइस नहीं है कि मुझे ऐसी चीजें पसंद आए, बट कई लोगों को पसंद आता है और बहुत से लोग खाते भी हैं। यार यहाँ पे खड़े होके ये देख कान साफ करने वाले भैया हैं यहाँ के, इन्हीं की लाने। ऐसे मत का, काटना नहीं होता ये, सिर्फ निकलने का है, ये फिसल जाएगा गले से। ये तो ऐसे लग रहा चूहे का पेट खा रहे। चिंचिंग बाय। इसका स्वैग अलग है। कह रहे फिर आ गए। वेज नहीं, ये चिकन ये है। कौन सी इंडी आती है तो सबसे क्यों परेशान कर रहे हैं? कौन से वाला? तो यहाँ से अभी हमने दो तीन चीजें ली हैं छोटी छोटी, 10-10 रुपए की। ये हमने देखी नहीं अभी तक मार्केट में अपनी वाली। अच्छा यार मिलो, ये अच्छा लगा मुझे। मेरी क्या तुम इसको? Thank you.
कैफे में, और यहाँ पे ना एक दो घंटे की कम से कम वेटिंग बता रहे हैं, और अंदर चल के पूछते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए बोला उन्होंने यहाँ पे। सो अभी हम आमा कैफे आए तो यहाँ पर एक डेढ़ घंटे की लाइन है, हमें बाहर जाना पड़ेगा। डेढ़ घंटे तक अगर आया तो आया, नहीं तो हम बाहर से कुछ खा लेंगे, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं अभी, और चल के कुछ तो खा ही लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि भूख लग रही है। अगर मजनू का टीला भी आके मोमोज नहीं खाए तो फिर क्या खाया, और इसने तो वैसे भी वो भी नहीं खाए थे लाफिंग वाले। तूने बड़े खाए थे? मैंने भी नहीं खाए यार। इसको क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं है, अभी पूछता हूँ। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं स्पाइरल पोटैटो। ये आगे मोमोज ट्राई करते हैं। मुझे वेज पसंद नहीं है, मैं पनीर ही खाता हूँ। ये तेरे लिए है पूरे। मैं तो मोमोज ही नहीं खाती। अच्छा मोमोज खाती? बहुत मिर्ची नहीं तो ये दोनों चीजें हमें बड़ी 120 में, लेकिन बहुत मस्ती और बहुत मिर्ची थी। अभी तक मिर्ची लग रही है तो भैया पता नहीं कहाँ से लेके पैसे लेने। ब्लूबेरी ट्राई करें एक बार, ब्लूबेरी कर दो। कितने का है? 150 कर दो। बोबा बोबा देखते कैसा होता है। थैंक यू। ट्राई करते हैं बाहर से। भाई साहब बहुत मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई कैंडी टाइप खा रहे हो। बहुत ब्लूबेरी चब नहीं पा रहा ढंग से। यार मेरा वो जेली खा के ना सही बताऊँ पेट इतना ज्यादा भर गया है, और पेट में उछल रही है वो जेली। सही से उसको चबा भी नहीं सकते थे। और जब आगे मेरे को लग रहा है कुछ है नहीं है। सो गाइस हमने यहाँ से एक दो चॉपस्टिक्स लिए हैं, और ये कुछ कैंडीज ले रही है अपने लिए, गुन्नू के लिए। तू वैसे ही बहुत मीठा खा रही, तेरे को जरूरत नहीं इन चीजों की। और गाइस हमें ना अमा कैफे से कॉल आ चुका है कि हमारी जो है टर्न आ चुकी है, और वेटिंग अब नहीं करनी पड़ेगी। वो वेट कर रहे हैं बल्कि हमारा, अब बस इसका बिल करा के चलते हैं एक बार। आर का ना इस टाइम पे शाम हो चुकी है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वहीं जा रहे हैं अभी। चल सो फाइनली आ जाओ, हम आगे कैफे में चल के खाना खाते हैं। यार हमें कम से कम भी नहीं तो आधा घंटा हो गया और अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया है। ये देख लो अभी भी लगी हुई है। मैं इसको बोल रहा हूँ मेरे को दे दे, मैं कर देता हूँ। मेरे को दे भी नहीं रही और खुद कर भी नहीं पा रही है। बहुत डिफिकल्ट मेन्यू है, मन कर रहा है खाऊं ही ना, खड़ी हो जाऊं। सो फाइनली हमारा पौने घंटे बाद खाना आ गया। पौने घंटा लगा इसको आने में, क्योंकि ऑर्डर करने हम लेट हो गए थे। ये चॉपस्टिक हम बाहर से ले गए हैं, रेस्टो में नहीं मिली, और ये नूडल्स हमने यहाँ से लिए हैं। ट्राई कर रहा हूँ खाने का, और आई नो मुझे पता नहीं होगा। बेचारे इतनी देर से लगा पड़ा है। ये ना गुस्सा और दिला देती है इंसान को। क्या गुस्सा आ रहा है? अच्छा एक बात बता, तेरे को ऐसे पकड़ना है कैसे पकड़ना है? मुझे पता ही नहीं लग रहा। मेरे को खुद नहीं पता, गिर पड़ेंगी ये। मेरे हाथ में चोट लग जाएगी, सिर्फ उंगली ना तोड़ जाए कहीं ऐसा हो। चल यार ये ऊपर से कड़वी थी आशु। क्या कड़वी थी? मैंने उंगली मार के टेस्ट कड़वी को छोड़ दी। ये ट्रफल है और यहाँ पे इनका मतलब अच्छा फेमस डेजर्ट है, इसको ट्राई करते हैं एक बार। ये रो रही है पीछे कैमरे के, आपको पता नहीं है, इसके आंसू मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। कर ले यार ट्राई कर ले। शराब है ना इसके अंदर? कुछ है, कुछ ऐसा शराब है। इतना ही था ये मजनू का टीला। अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मार्केट अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं हम, और जो कैफे अमा कैफे हम पे फेमस है वहाँ पे हम जा चुके हैं, और सारी चीज़ें हमने लगभग देख ली हैं, और अब चलते हैं घर। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।